आपको ये करना चाहिए कि जितने भी सिंधी हैं, बलोची हैं, पश्तून हैं, आप दिल्ली में ज़मीन देके सरकार पैसा खर्च करे। 10 फालतू जगह हम लोग पैसा खर्च करते हैं, ये तो अच्छा काम है। आप पैसा खर्च करें, उनके आप एम्बेसीज इन एग्जाइल बनाएं, और जो उनके टॉप लीडर्स हैं 100-200 हर एक कौम के, आप उनको इंडियन सिटीजनशिप दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप उनके ऑफिसेज, आप ज़मीन खरीदें न्यूयॉर्क में, बिल्डिंग्स खरीदें, ऑफिस खरीदें न्यूयॉर्क में, ब्रसल्स में, लंदन में, पेरिस में, करीब 5-7 जगह पूरी दुनिया में आप इनके ऑफिसेज खरीदें, जहाँ पे आप बलोच लड़कों को, जहाँ पे आप सिंधी लड़कों को, जहाँ पे आप पश्तून लड़कों को ट्रेन करें इंडिया में बुला के, और बोलें कि तुम जाओ वहाँ पे, तुम्हें हम सैलरी देंगे, तुम मैन करो। वहाँ से आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करिए, आप वहाँ से लड़ाई लड़िए आप, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू पुट मनी, और ये पैसा ज़्यादा नहीं, मैंने आपको क्या बोला, ये 1-2 रफेल में हो जाएगा, पर हो सकता है वो रफेल आप इस्तेमाल करें ना करें, चाहिए हमें। 1971 के बाद लोग कह रहे थे कि साहब एयरफोर्स इस्तेमाल ही नहीं होगी, हो गई ना इस्तेमाल एयरफोर्स, तो अचानक हो जाती है जब होती है तो। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप एयरफोर्स में पैसा ना डालें, बिल्कुल डालें, उनको बहुत शॉर्टेज है एयरफोर्स में, लेकिन उतने पैसे में, यानी कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 36 के आप 34 ही लाएं, आप 36 नहीं, आप 200 रफेल लाइए, लेकिन 2-3 रफेल में आपका इतना काम हो जाएगा कि पाकिस्तान घुटनों में आ जाएगा। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। बलूचिस्तान का एक बलूचिस्तान हाउस करके उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए न्यूयॉर्क में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए वाशिंगटन में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए लंदन में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए पेरिस में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए बिल्कुल जहाँ पे ईयू की पार्लियामेंट है उससे 10 कदम दूर उनकी बिल्डिंग्स होनी चाहिए यहाँ पे। दिस मस्ट बी फंडेड बाय इंडिया, वी हैव द मनी। हमें कोई पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान के अंदर लोग कई बार कहते हैं कि साहब जैसे पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, हम क्यों नहीं फैलाते पाकिस्तान के अंदर, हमें ज़रूरत ही नहीं फैलाने की। आप काम वो करिए ना जिससे ज़रूरत हो। अगर आप एक एग्रेसिव पॉलिसी रखेंगे और लगातार आप लगे रहेंगे उस चीज़ में, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। खोलिए एम्बेसीज, आप 5-7 जगह पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में खोलिए एम्बेसी, क्या फर्क पड़ता है, खोलिए साउथ अफ्रीका में खोलिए एम्बेसी, पूरे जगह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इनको पैसा दीजिए और इनको बोल दीजिए कि आपका जो भी अटैच्ड है हमारी एम्बेसीज के साथ, इनको अटैच कर दीजिए। आर एम्बेसीज दे विल टेक केयर द डिफेंस अटैची देयर, कोई हमारे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के भी लोग रहे होंगे वहां पे एम्बेसीज में, दे विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस। एक बड़ी मुहिम चलानी होगी आपको, आपको हजारों करोड़ खर्च करने होंगे, लेकिन ये गारंटी है जिस दिन आपने कर दिया 5 साल के अंदर पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा, पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पाएगा। ये लोग जो फालतू की बकवास करते हैं लंदन में कि कश्मीर डे सेलिब्रेशंस और यूएस में और लंदन में अपनी बसेस चलाते हैं, यही तो कर रहा है पाकिस्तान, इसके लिए पैसे चाहिए। हमें, हमारे पास पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा पैसे हैं, हमें क्या करना है, चेक तो काटना है, चेक काट दीजिए ना, छोटा सा चेक काट दीजिए, बोलिए आर बजट फॉर 1 ईयर इज़ $100 मिलियन, $100 मिलियन हमारा बजट है, कहानी खत्म। आप शुरू करिए, दिल्ली में करिए, वॉशिंगटन में करिए, हर जगह करिए, फैला दीजिए सिंधी नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म, ये पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं, इन लोगों को गले लगाना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि सिंध इंडिया में मिले या बलूचिस्तान इंडिया में मिले, नहीं, अपना मुल्क बनाइए, हमें कोई लेना देना नहीं, अपना मुल्क बनाइए, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न, वी डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। हम बांग्लादेश बनाया, हमने बांग्लादेश से कुछ लिया नहीं, लिया ना, वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग। सिंध शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट ये कैसे बनेगी, ये ऐसे नहीं बनेगी कि आप इंडियन आर्मी को बोलो कि आप चढ़ दौड़ो उनके ऊपर, ये धीरे धीरे बनेगी। फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान की, उनका एडवांटेज लेने की जरूरत है।